जय हिंद दोस्तों। अगर भारतवर्ष के इतिहास की बात की जाए तो अब तक की सबसे रोचक, पावन और सबसे ऐतिहासिक कहानी रही है रामायण। और आप सब जानते हैं कि रामायण भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर आधारित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि रामायण का असली हीरो कौन था, तो नो डाउट आपका जवाब होगा भगवान श्री राम। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि रामायण में एक ऐसा किरदार भी था जिसको भले ही उतनी तवज्जो नहीं मिली, लेकिन उसका किरदार भगवान श्री राम से कहीं मायने में कम नहीं था, बल्कि अगर मैं यूं कहूं कि कई मायने में भगवान श्री राम से भी बेहतर था, तो शायद आपका जवाब होगा नहीं। लेकिन रुकिए, इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगले 5 से 10 मिनट में आप पुनर्विचार को मजबूर हो जाएंगे और आप सोचेंगे कि शायद लक्ष्मण का किरदार भगवान श्री राम से कई मायने में बहुत बेहतर था। तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल में लक्ष्मण के किरदार की शुरुआत होती है श्री राम के वनवास के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि माता कैकेयी के षड्यंत्र की वजह से भगवान श्री राम को वनवास मिला और लक्ष्मण भगवान श्री राम से छोटे, भरत और शत्रुघ्न से बड़े भाई थे। इस वजह से भगवान श्री राम के वनवास जाने के बाद और महाराजा दशरथ की अनुपस्थिति में अयोध्या का राज लक्ष्मण को मिलना था, लेकिन उन्होंने उस राज दरबार के मोह को त्याग कर भगवान श्री राम के साथ वनवास जाना चुना। यह दिखाता है कि लक्ष्मण कितने बड़े त्यागी थे, यानी कि उन्होंने पूरे के पूरे राज दरबार का मोह त्याग दिया। तो यहाँ यह साबित होता है कि भगवान श्री राम को जो वनवास मिला वो उनको अपनी माता के षड्यंत्र की वजह से मिला, लेकिन लक्ष्मण ने जो वनवास लिया वो अपनी इच्छा से लिया। दरअसल में जब उनको वनवास जाना था तो भगवान श्री राम अपनी धर्मपत्नी माता सीता के साथ वनवास गए, जो सुख में दुख में उनके साथ रहने वाली थी। लेकिन लक्ष्मण ने बगैर उर्मिला के वनवास चुना। उर्मिला को अयोध्या में रहना था और भगवान श्री राम के साथ लक्ष्मण को वहां अकेले रहना था। यहाँ ये दिखाता है कि लक्ष्मण ने बगैर अपनी धर्मपत्नी को साथ लिए वनवास को चुना। ये उनकी त्याग की गाथा को अमर कर देता है और आपको ये सोचने को मजबूर कर देता है कि लक्ष्मण कितने बड़े त्याग करने वाले थे। तरफ चलते हैं जहां आपको ये पता लगेगा कि लक्ष्मण कितने बड़े आज्ञापालक थे। दरअसल में वनवास में रहने के दौरान राक्षस राजा रावण ने अपने मामा मारीच को नकली हिरण बना करके वहां से निकाला और माता सीता के आदेशानुसार भगवान श्री राम उस हिरण का वध करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़े। और वहां पर हिरण ने अपना असली रूप दिखाया और वो भगवान श्री राम का नाम लेकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज को सुनकर माता सीता कहा तो उठी। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि तुम्हारे भाई खतरे में है, आप जाकर उनकी जान बचाइए। और लक्ष्मण ने अपने भाई की जान बचाने के लिए और अपने भाभी के आदेश की पालना करने के लिए वहां से निकल गए। उन्होंने जाने से पहले एक सीमा बना करके गए। यह अलग बात है कि माता सीता अपने धर्म की लाज बचाने के लिए उस सीमा से बाहर निकली और इसी वजह से राक्षस राजा रावण उनका अपहरण कर पाया। लेकिन लक्ष्मण ने अपने भाई को बचाकर अपने भाई की जान भी बचाई और अपने माता सीता के आदेशों की पालना भी की। इससे ये साबित होता है कि लक्ष्मण कितने बड़े आज्ञा के पालक थे। यहाँ तक आते आते आपको लक्ष्मण के त्याग और आज्ञा पालन की कहानी तो समझ में आ गई होगी। आइए मैं अब आपको लक्ष्मण के चरित्र की एक ऐसी कहानी बताता हूँ जिसको सुनकर आप सोचेंगे कि लक्ष्मण कितने बड़े चरित्रवान थे। दरअसल में हुआ ये कि जब राक्षस राजा रावण माता सीता का अपहरण करके उनको हवाई मार्ग से लंका की तरफ ले जा रहे थे, तो माता सीता ने सोचा कि जब मुझे भगवान श्री राम और लक्ष्मण ढूंढते हुए आएंगे तो उनको कैसे पता लगेगा। इस वजह से उन्होंने अपने जेवरात निकाल करके वहां पर फेंक दिए ताकि भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनको देखकर ये पता लगा सकें कि राक्षस राजा रावण भगवान सीता को किस तरफ से ले जा रहे हैं। और हुआ भी यही। रास्ते में जैसे ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण को जेवर मिले तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि भाई, इनको देखो और पता लगाओ कि ये जेवर क्या तुम्हारी भाभी के ही हैं। इसके जवाब में लक्ष्मण कहते हैं कि भाई, मैंने आज तक माता सीता का चेहरा तक कोर से नहीं देखा, तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि माता सीता के जेवर ये हो सकते हैं या नहीं। इस शब्दों को सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि लक्ष्मण कितने बड़े चरित्रवान थे। त्याग, आज्ञा पालन और चरित्र की कहानी के साथ साथ एक सबसे बड़ा पहलू जो छूट रहा है वो है वीरता। वीरता के मामले में बेशक पूरी रामायण श्री राम की वीरता को दिखाती हुई चलती है, लेकिन लक्ष्मण की वीरता
रामायण के युद्ध से पहले से दिखाई देती है। दरअसल में ये बात है भगवान श्री राम के स्वयंवर की। राजा जनक जो कि माता सीता के पिता थे, उनकी एक प्रतिज्ञा थी कि जो भी धनुष उठाएगा माता सीता की शादी वो उसके साथ कर देंगे। और जब श्री राम के स्वयंवर में कोई धनुष नहीं उठा पा रहा था, तब राजा जनक ने आहत होकर कहा, सबको ललकारा कि क्या ये धरती वीरों से खाली हो चुकी है, क्या कोई वीर ऐसा नहीं है जो धनुष को उठाएगा और उनकी बेटी को ब्याह कर ले जाएगा। इस ललकार को सुनकर लक्ष्मण ने क्रोधित स्वभाव में खड़े होकर कहा कि मेरे भैया मेरे बगल में बैठे हैं, उनकी आज्ञा की देर है, वरना इस धनुष को मैं उठाकर इतने प्रचंड रूप से तोड़ता पूरा ब्रह्मांड हिल जाता। ये दिखाता है कि लक्ष्मण कितने बड़े शूरवीर थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, रामायण के युद्ध के दौरान भी बेशक भगवान श्री राम ने रावण का वध किया, लेकिन रावण के सबसे बड़े सहायक, सबसे बड़े योद्धा और उनके प्रमुख अस्त्र, उनके बड़े बेटे मेघनाथ को लक्ष्मण ने मारा। और आप जानते हैं कि मेघनाथ को इंद्र से वरदान प्राप्त था, वो इंद्र को जीता हुआ था, इसलिए उसको इंद्रजीत कहा जाता है। और जिसने इंद्र को जीता हुआ हो वो कोई छोटा मोटा योद्धा तो नहीं था। लेकिन लक्ष्मण ने उस युद्ध के मैदान में अपने भाई के साथ साथ वीरता दिखाते हुए और पूरे वीरता से लड़ते हुए उन्होंने रावण के बड़े बेटे मेघनाथ का वध किया। और अपने बड़े बेटे मेघनाथ के वध के साथ ही रावण का विश्वास टूटकर आधा हो गया। वो आपको अपने आप को आधा महसूस करने लगा और उस टूटे हुए विश्वास के साथ भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। और उसके बाद रामायण की पटकथा पूरी हुई। रावण के वध के बाद उनके भाई विभीषण को, जो कि इस पूरे युद्ध में राम श्री राम के साथ था, विभीषण को लंका का रावण बनाकर माता सीता को साथ लेकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण वापस अयोध्या को आए और उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए और तभी से हम दीपावली मनाने लगे। तो इस रामायण की पूरी कहानी में बेशक आप अब तक भगवान श्री राम को हीरो मानते हैं, वो हीरो है, लेकिन जो तथ्य मैंने आपके सामने पेश किए उन तथ्यों के बलबूते पर आप इतना तो विचार कर ही सकते हैं कि लक्ष्मण का योगदान भगवान श्री राम से कहीं नहीं था, बल्कि कई मामले में वो भगवान श्री राम से भी बेहतर थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।